आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम यानी बेबी तबस्सुम की पोती करिश्मा और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। तारे हो दिल में अंगारे हो तेरे लश्कारे हो कहते हैं सारे हो क्या कहने है क्या कहने है। यही है ना सबकी जान, यही है ना सबकी कमजोरी। दोस्तों, आज जिस मशहूर एक्टर के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उनका नाम तो निर्मल था, लेकिन फिल्मों में उन्होंने कभी भी निर्मल रोल नहीं निभाए। इनफैक्ट उन्होंने बहुत ही खूंखार और खतरनाक रोल निभाए, और वो थे द टैलेंटेड और जबरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक निर्मल पांडे। तू भी कमाल की। साले की किस्मत बहुत अच्छी है। आदमी को हमेशा लड़ना चाहिए, लेकिन जिसका टाइम अच्छा हो उससे लड़ना नहीं चाहिए। एंड आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि आप लोगों के जाने के बाद आई विल मिस अ गुड कंपनी, इसलिए मैं आपसे देखिए ऐसा भी होता है। 10th अगस्त 1962 में निर्मल पांडे का जन्म हुआ नैनीताल में। उनके पापा एक हेड क्लर्क थे और उनका नाम था श्री हरीश चंद्र पांडे, और उनकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी और उनका नाम था श्रीमती रेवती पांडे। निर्मल जी के दो भाई और तीन बहनें हैं। निर्मल पांडे जब छोटे से थे तो रामलीला में हिस्सा लिया करते थे, और बचपन में ही उन्होंने ठान ली थी कि मैं बड़े होकर एक्टर बनूंगा। इसीलिए स्कूल्स और कॉलेजेस के प्लेज में वो हिस्सा लिया करते थे, और वो भी बढ़ चढ़ के। उन्होंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज कंप्लीट की नैनीताल में, और उन्होंने अपने बीकॉम और एमकॉम की डिग्री भी हासिल कर ली। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद निर्मल जी ने गवर्नमेंट जॉब में सीनियर अकाउंटेंट की नौकरी कर ली, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो उस जॉब से ऊब गए थे और बोर हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो एक्टर बनना था। इसीलिए उन्होंने CRST के इंटर कॉलेज प्लेज में हिस्सा लिया और अवार्ड्स भी जीत लिए। निर्मल जी थिएटर के साथ साथ फिल्मों में भी काम करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन करने का फैसला कर लिया, और 1986 में वो सिलेक्ट भी हो गए। NSD का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक लंदन की थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया जिसका नाम था तारा आर्ट ग्रुप, और 40 कंट्रीज में एक प्ले भी किया जिसका नाम था हीर रांझा, जिसमें वो सूत्रधार भी थे। उसी बीच मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर शेखर कपूर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था बैंडिट क्वीन, और उसके लिए उन्हें डाकू विक्रम मल्ला के रोल के लिए एक एक्टर की जरूरत थी। उन्होंने मनोज बाजपेयी को ऑलमोस्ट साइन ही कर लिया था इस रोल के लिए, लेकिन उनकी रिलेटिव जो NSD में एक टीचर थी, उन्होंने निर्मल पांडे का नाम सजेस्ट किया, और वो जब निर्मल पांडे से मिले तो फौरन उन्हें साइन कर दिया इस रोल के लिए। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। चला मस्ताना पे गोली। नहीं। चला चला। अरे मार। नहीं। मार। मर जाते तो। अरे आदमी को मारे के लिए बहुत रियाज करना पड़ता है, तेरे बस का ना। चल। बैंडिट क्वीन लोगों को बहुत पसंद आई और उनका रोल भी लोगों ने बहुत सराहा, और उसके बाद उन्होंने कई फिल्में की। फिल्मों के अलावा उन्होंने कुछ प्लेज भी डायरेक्ट किए और कमर्शियल सिनेमा की तरफ रुख किया, और उनकी फर्स्ट कमर्शियल फिल्म थी सुधीर मिश्रा की इस रात की सुबह नहीं। बहुत घटिया आदमी है तू। क्या बोला? मैं बोला बहुत घटिया आदमी है तू। मैंने गलती की जो तुझे छोड़ दिया, तुझे तो कट के मर जाना चाहिए था, कुत्तों खानी चाहिए थी तेरी लाश।
निर्मल जी की पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त थी कि उनको ज्यादातर विलेन के रोल ही मिलते थे, जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या, हम तुम पे मरते हैं और औजार में। बाबा, पुलिस फोर्स पूरी कोशिश कर रही है, विल हैंडल इट। नहीं, ये पुलिस का प्रॉब्लम नहीं है, ये बाबा का प्रॉब्लम है। आपका टाइम तो गया, लेकिन यश, अब तेरा टाइम खराब हो जाएगा। कमर्शियल फिल्मों के अलावा उन्होंने काफी आइकॉनिक फिल्म्स में भी काम किया, जैसे कि गॉड मदर, दायरा और ट्रेन टू पाकिस्तान। इनफैक्ट दायरा में उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल की तरफ से बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। दैट्स राइट, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस, जो आज तक किसी और को नहीं मिला। काश मैं होती, मैं औरत जैसा महसूस करती हूँ, अक्सर औरत दिखती हूँ, लेकिन औरत नहीं हो सकती, वो तो पूरी औरत है, भीतर से भी बाहर से भी। खुश नसीब है तू, सच। मैं आपको बता दूं कि निर्मल जी को गाना गाने का बहुत ज्यादा शौक था और वो बहुत अच्छे सिंगर भी थे। गोरे गोरे मुखड़े पे सोने का बाला, हरे हरे कुर्ते पे पीला पराना, लड़की है मिस्री या मछे का प्याला, सरसों के खेतों में पहला उजाला, मार डाला, अरे मार डाला। निर्मल जी ने दो शादियां की। सबसे पहले शादी की उन्होंने 1997 में कौसर मुनीर के साथ, जो एक बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट और स्क्रीन प्ले राइटर है, और उनके साथ उन्होंने एक एल्बम भी रिलीज की जिसका नाम था जज्बा, और उसमें सारे गाने गाए थे निर्मल पांडे ने और लिरिक्स लिखे थे कौसर मुनीर ने। निर्मल जी और कौसर की एक बेटी भी है, लेकिन अफसोस कुछ सालों बाद वो दोनों अलग हो गए और दोनों का डिवोर्स भी हो गया। निर्मल जी ने दूसरी शादी की 2005 में अर्चना शर्मा के साथ, जो लखनऊ के स्कूल में एक प्रिंसिपल है। इस शादी से उनको दो बेटे हुए जो ट्विंस हैं, लेकिन अफसोस कुछ अरसे बाद उन दोनों में अनबन हो गई और दोनों अलग हो गए, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ। निर्मल जी बहुत सेंसिटिव थे, इसलिए वो ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाए, अंदर ही अंदर घुटते रहे और डिप्रेशन में चले गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन अचानक उन्हें एक हार्ट अटैक आ गया और 18 फरवरी 2010 में, यानी कि सिर्फ 48 की उम्र में, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबसुम टॉकीज़ और करते रहिए सब्सक्राइब।